सांसद आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब गलत तरीके से आजम खान की सांसद पत्नी तंजीन फातिमा और डीसीजीएफ की जमीन आवंटन करने के मामले में शिकायत मिलने के बाद जीएम ने इस मामले की जांच शुरू करवा दी है। जिलाधिकारी अनंजय कुमार सिंह ने बताया कि विकास भवन के सामने एक भवन है जिसमें क्वालिटी बार चलता था, उसके आवंटन के बारे में 2-3 लोगों से शिकायत भी हुई है, जिससे डीसीजीएफ के यह कहना है कि आवंटन गलत तरीके से किया गया है। वहीं दूसरी शिकायत में यह कहना है कि यह जमीन डीसीजीएफ की थी, नहीं तो इसकी जांच क्यों की जा रही है। सारे दस्तावेज देखे जा रहे हैं, आगे जो जांच में आएगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। डीएम साहब, सपा नेता आजम खान की पत्नी जो राजस्व सांसद तंजीन फातिमा, उनको जमीन आवंटन को लेकर के कोई मामला चल रहा है, क्या है पूरा मामला, कौन सी जमीन है ये? विकास भवन के सामने जो भवन है उसमें कोई क्वालिटी बार था, उसके आवंटन के बारे में शिकायत कुछ दिन पूर्व मिली है, कई 2-3 लोगों ने शिकायत की है, उसकी जांच के लिए दे दिया गया है। उसमें प्रकरण ये है कि डीसीडीएफ का ये कहना है कि डीसीडीएफ का आवंटन गलत तरीके से किया गया है, लेकिन उसमें दूसरी शिकायत में ये कहना है कि ये डीसीडीएफ की ज़मीन थी ही नहीं, क्वालिटी बार एक्चुअल में वो सरकारी सराय थी। तो इसकी जांच की जा रही है, इसके सारे दस्तावेज देखे जा रहे हैं, जैसा इसमें निकलता है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाए। अभी कौन कर रहा है इस मामले की जांच? इस मामले की जांच एडीएम प्रशासन और एसडीएम दोनों लोग कर रहे हैं, उसके बाद इसको एनालाइज भी मतलब इसका विश्लेषण और इसकी पूरी जांच जो 9 सदस्यीय कमेटी है वो भी करेगी, और उसके बाद ही पहले रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट के लिए दिया गया है, सारे दस्तावेज निकाले जा रहे हैं, जब सारे दस्तावेज मिल जाएंगे उसके बाद वो 9 सदस्यीय कमेटी के द्वारा इसका परीक्षण करने के पश्चात इसमें जो निष्कर्ष निकलेगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सर, ये किसके कब्जे में है? ये दोनों ही चीज़ें अभी ये निश्चित होना बाकी है, जब फील्ड से रिपोर्ट आ जाएगी तो किसके कब्जे में है, और आगे सिर्फ एक ही जगह एक ही व्यक्ति का मामला नहीं है, कई सारे लोगों का उसमें निकलेगा, इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे। इनफैक्ट जितने सारे डीसीडीएफ के लैंड थे सब सारी डिटेल मैंने मंगा ली है, जितने कोऑपरेटिव सेक्टर के ज़मीनें थी और उसमें अभी है नहीं कोई, उसमें भी यार कोऑपरेटिव से सारे डिटेल मंगा दिए हैं। यहाँ शहर के बीच में भी बहुत सारी ज़मीन है, उसके भी डिटेल मंगाए हुए हैं, और सारे पे जहाँ जहाँ पे कब्जे हैं उन कब्जों को हटाया जाएगा, और ज़मीन की डिटेल लेके अगर उस पर कोई समिति नहीं है तो उसको सरकार के कब्जे में डाला जाए। अच्छा, शिकायत क्या मिली थी कि तंजीन फातिमा जो है उनको गलत तरीके से आवंटन किया गया? जी बिल्कुल, इसमें माननीय राज्यसभा सांसद तंजीन फातिमा को गलत तरीके से आवंटन की शिकायत है, और ये कहते एक तो गलत तरीके की आवंटन की शिकायत है, दूसरी शिकायत में कहा गया था कि एक्चुअल में डीसीडीएफ की थी ही नहीं, और जब आवंटन हुआ वो सिरे से गलत है। इन दोनों ही तथ्यों की पड़ताल हम कर रहे हैं, और उसके बाद ये कि किसका कब्जा है वहाँ पे, और ये तीसरी शिकायत में ये बताया गया कि कब्जा एक व्यक्ति का नहीं कई व्यक्तियों का है, और उसमें ये भी बताया गया है कि माननीय विधायक अब्दुल्ला आजम खान उनका भी उसमें एक आवंटन है जो गलत तरीके से है। इन सारे मामलों की जांच कर रहे हैं, देखें जो भी निष्कर्ष आता है उसके हिसाब से। अच्छा, क्या विकास भवन ने जो डॉक्यूमेंट है वो भी सुनने मारा है कि 4 साल के जो गायब है वो डॉक्यूमेंट गायब है वहाँ से? देखिए, वो डॉक्यूमेंट्स का कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि डबल लॉक में रख दिए गए कुछ कारणों से, उसके खोलने का एक प्रोसीजर है, अभी हम देख रहे हैं कि वो दस्तावेज क्या डबल लॉक के अंदर है, आज उसमें पड़ताल होगी, निकलेंगे दस्तावेज कहीं पे भी गायब कोई करे निकालने को, तो हम उसको ज़रूरत पड़ी तो हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी ले आएंगे, और लेकिन यह कि जांच पुख्ता होगी, और बिना जांच के तो आगे हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जांच के बाद कार्रवाई होगी, जांच के बाद जो भी निकलेगा उसके अनुसार कार्रवाई। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।